हेलो बच्चों, वेलकम टू सार क्लासेस। अभी का ये वीडियो बस इंटरेक्शन है हम लोगों के बीच में। थोड़ा सा सोचा कि आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार आप लोगों को हाय बोल दूं, हेलो बोल दूं, और कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों से करना चाहता हूं। वो ये है कि कल मैंने 11th क्लास मैथमेटिक्स स्टार्ट किया, उसमें दो चीज़ों के लिए बहुत सारा रायता फैला हुआ है। मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भी उतना ही कॉल ये आ रहा है, मैसेज आ रहा है, कॉल आ रहा है। इसके अलावा कमेंट में भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कमेंट मिल रहे हैं मुझे। सबसे पहला क्या, ये जो क्लास 10th वाले बच्चे हैं वो अजीब अजीब से कमेंट कर रहे हैं कि सर आप 11th क्यों पढ़ाना स्टार्ट कर दिए। तो भाई ये बताओ, अगर मैं 11th पढ़ाना स्टार्ट कर दिया हूँ तो आप लोगों को क्या दिक्कत है उससे? 10th तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ। ऐसा थोड़े ना कि 11th अगर पढ़ाना स्टार्ट कर दिया तो 10th पढ़ाना छोड़ दिया। नहीं ना, 10th का वीडियो अगर मिल रहा है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अजीब अजीब से मैसेज कि सर आप डिसिप्लिन में नहीं हैं, आप तो बच्चे छोड़ देंगे, चैनल को अनसब्सक्राइब कर देंगे। भाई जिसको करना रहेगा अनसब्सक्राइब वो मेरे बोलने से रुकेगा नहीं, और जिनको मैं अच्छा लगता हूँ वो जाएगा नहीं। ठीक है, मैं किसी को सब्सक्राइब करने के लिए बोलता भी नहीं हूँ। जो प्यार करते हैं, जिनको समझ में आता है कि हाँ सर ठीक है, तो वो खुद से सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो ये तो बात हो गया, और अनसब्सक्राइब करने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि मैं वीडियो तो बना ही रहा हूँ 10th वालों के लिए। ठीक है, पहले मैं आप लोगों से इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा कमेंट आप ही लोगों ने किया है, और मैसेज भी सबसे ज़्यादा आप ही लोगों ने किया है। अजीब अजीब से मतलब मैसेज और अजीब अजीब से कमेंट हैं आप लोगों के, तो बुरा लगा थोड़ा सा देख करके कि किसी दूसरे का अगर कुछ भला हो रहा है ये लॉकडाउन में तो फिर आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मैं आप लोगों को एक बात और बता दूँ कि मैं 10th का जितना भी सिलेबस है ना वो पढ़ा चुका हूँ, तो आप इतने अकलमंद तो अभी तक बने नहीं कि जा करके देख सको। सारे नहीं, कुछ बच्चे मतलब 10-12 बच्चे ऐसे हैं जो हर छोटी सी बात के लिए कॉल कर देंगे, हर छोटी सी बात के लिए मैसेज कर देंगे। उनको अभी तक ये नहीं पता है कि एसआर क्लासेज जो चैनल है इस पर क्लास 10th का जो साइंस है वो सारा का सारा पढ़ाई हो चुका है। उनको ये पता नहीं है, और वो लिखते हैं कि सर आपने बीच में छोड़ दिया। छोड़ क्या दिया, फिर से पढ़ाऊँ मैं उसे? एक ही चीज़ बार बार पढ़ाता रहूँ तो अच्छा लगेगा? जो चीज़ अच्छा से रिकॉर्ड नहीं हो पाया था उसे मैंने दोबारा कर दिया। जैसे कि केमिस्ट्री जो 10th क्लास का पहला चैप्टर है वो मैंने सबसे पहले जब चैनल स्टार्ट किया था तो मैंने सबसे पहले उसी चीज़ का वीडियो बनाया था, तो वो अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हुआ था। मुझे खुद लगता था कि उसे थोड़ा सा ज़रूरत है अच्छा टचअप देने का, उसमें मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिला हुआ था, तो मैंने उसे फिर से करा दिया। जो चीज़ मुझे ज़रूरत महसूस हो रही थी वो मैंने खुद से कराया, और जो चीज़ बचा हुआ है वो मैं करवा रहा हूँ, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं उन बच्चों का जो क्लास 11th के हैं और ये कह रहे हैं कि सर आपने इंग्लिश में क्यों पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो बच्चे आप पढ़ के तो देखो, अगर आपको समझ में ना आए तब कहना। इंग्लिश में मैंने इसलिए स्टार्ट किया है ताकि बहुत सारे बच्चे एक साथ कनेक्ट हो पाएंगे, और दूसरी चीज़ आपको समझ में भी ज़्यादा आएगा, बहुत ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि इंग्लिश के जो शब्द हैं ना वो बड़े आसान से हैं और हिंदी के जो शब्द हैं वो बड़े टफ से हैं। बात रहा सवाल का, तो सवाल तो मैं हिंदी में ही समझाऊंगा, भले ही लिखा रहे इंग्लिश में लिख दूंगा कि लेट अस अज्यूम, मतलब थोड़ा सा इंग्लिश लिख दूंगा यहाँ पे, है ना। अब भुजा रहे तो उसको साइड बोल दूंगा, प्राकृत संख्या रहे तो उसको नेचुरल नंबर बोल दूंगा, बस यही सारा इंग्लिश है और ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी तो मैं बोलता तो हिंदी में ही हूँ ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक, अब तीसरी चीज़ जो है वो ये है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कुछ बच्चों को ये लग रहा था, कल मैंने एक बात कहा था कि जो ज़्यादातर अच्छे टीचर हैं वो इंग्लिश में पढ़ाना पसंद करते हैं। हो सकता है कि ये बात मैं इतने अच्छे से नहीं कह पाया था जिससे कि कुछ बच्चों को या कुछ जो टीचर्स हैं उनको बुरा लग गया। भाई लगने वाली भी बात भी है, मैं उसके लिए सॉरी कहता हूँ। मेरा ये कहने का मतलब नहीं था कि जो हिंदी में पढ़ाते हैं उनको कुछ आता नहीं। मैं ये कहना चाह रहा था कि जितने भी शहर में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़े बड़े जो राइटर हैं जिन्होंने बुक लिख रखा है वो इंग्लिश में मिलता है। मैं ये कह रहा था, मैं ये कहना चाह रहा था कि मटेरियल ज़्यादा इंग्लिश में अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि हिंदी के जो टीचर हैं उनको कुछ नहीं आता। होता यह है ना कि मटेरियल अवेलेबल इंग्लिश में रहने के कारण जो टीचर हिंदी में पढ़ाना पसंद करते हैं वो टीचर भी इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं, क्योंकि मटेरियल ही इंग्लिश में है, तो क्या करे वो हिंदी में कैसे करे उसको। ठीक है, तो मैंने ये कहा था, ये नहीं कहा था कि हिंदी वाले टीचर को कुछ आता नहीं। मेरे पास कुछ मैसेजेस आए, एक दो कमेंट भी देखा मैंने कि ऐसा नहीं है सर कि हिंदी वालों को नहीं आता। भाई मैं खुद हिंदी मीडियम का विद्यार्थी रहा हूँ, स्टूडेंट रहा हूँ, तो मुझे पता है ऐसा नहीं है कि हिंदी वालों को कुछ आता ही नहीं है। मैंने जब वीडियो बनाना स्टार्ट किया क्लास 10th का, मैं इंग्लिश में भी बना सकता था लेकिन हिंदी में बनाया। किस लिए बनाया? ताकि बिहार बोर्ड के बच्चों को, यूपी बोर्ड के बच्चों को, जो हिंदी भाषी बच्चे हैं उनके लिए फ़ायदा हो।
इंग्लिश में बनाता तो मेरा चैनल और पहले ग्रो हो चुका होता, लेकिन मैं हिंदी के साथ जूझता रहा, लगा रहा। लेकिन अब अगर मैंने ये कहा कि अब आप लोग इंग्लिश में पढ़ो, तो कुछ सोच के ही कहा होगा ना। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात। मैं बिहार से हूँ बेसिकली, और यहाँ पे इंग्लिश एकदम ही नहीं बोला जाता था जब हम लोग पढ़ते थे। अभी भी वही हाल है, इंग्लिश नहीं बोला जाता। और जब मैं इंजीनियरिंग के लिए कॉलेज गया तो वहाँ पे मुझे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, अपनी भाषा को लेकर के, अपनी लैंग्वेज को लेकर के बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती थी। ठीक है, तो अभी तो आप लोग कहोगे सर हिंदी हिंदी हिंदी, ठीक है हिंदी बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे भी बहुत पसंद है, कंफर्टेबल हूँ मैं उसमें भी। लेकिन जब आप आगे की पढ़ाई करना चाहोगे ना, तो अचानक से बहुत ज़्यादा जोर पड़ जाएगा। तो विज्ञान तो मैं कोशिश करूँगा कि हिंदी इंग्लिश दोनों कर दूँ, चाहे तो पूरा हिंदी ही कर दूँ, लेकिन कम से कम मैथमेटिक्स ना, आप लोग कम से कम जवान तो बैठाओ कि हाँ इंग्लिश बोल के भी कोई चीज़ होती है। कब तक डरोगे भाई, कब तक डरते रहोगे? तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। आप लोग पढ़ के देखिए, समझ में बिल्कुल आएगा, गारंटी मैं लेता हूँ कि समझ में आएगा। ठीक है, तो अब मैं जा रहा हूँ क्लास स्टार्ट करने, वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, आप लोग देख रहे होंगे बोर्ड पूरा साफ है। तो आप लोग बने रहिए, साथ बने रहिए, और समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। और अगर कोई दिक्कत रह जाता है, कोई सवाल समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट करके पूछो ना भाई, मैं बताऊँगा, मैं बताने के लिए तैयार हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।